नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग में आज मैं आप लोग को लेके चलने वाला हूँ वाराणसी के मछूदरी वाले लोकेशन का पंडाल का दर्शन कराने। यहाँ पे आपको भाई बाहर से ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत सजावट हुआ है। एक मस्त बात बताऊँ, इस मछूदरी लोकेशन पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दो पंडाल देखने को मिलेगा। एक आपको यहाँ फ्रंट में मिलेगा, एक थोड़ा सा इसी लोकेशन पे आपको वो भी पंडाल देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग जल्दी जल्दी आगे की तरफ चलते हैं, दर्शन करा देते हैं। फर्स्ट डे है तो ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अष्टमी नवमी वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। अभी तो थोड़ी बहुत लोग बाइक लेकर के आ जा रहे हैं, टोटो वगैरह भी चल जा रहा है, बट हाँ अष्टमी वाले दिन अगर आप जाओगे तो बाइक आपको कहीं दूर खड़ी करनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पंडाल काफी ज्यादा खूबसूरत है। अभी मैं जल्दी जल्दी आप लोग को इस पंडाल के अंदर लेकर चलता हूँ और माता जी का दर्शन करा देता हूँ। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से दर्शन करके बाहर निकलोगे, अपोजिट साइड में चार कदम चलोगे, वहां पे आपको एक और पंडाल देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा है। ये मेरे को राक्षस लग रहा है। अभी गुफा वगैरह बना हुआ है, ये वैष्णो माता पे जैसे हम लोग जाते हैं ना गुफा के अंदर से दर्शन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी आपको वैष्णो माता जी का दर्शन करने को मिलेगा। अभी मैं आपको दर्शन भी करा देता हूँ। लाइटिंग वगैरह भी काफी अच्छा है और सिंगल पर्सन ही जाएगा, अपोजिट से अगर कोई आ गया ना तो फंस जाओगे यहाँ पे भीड़ लग गई थोड़ा सा। मैं दर्शन करा देता हूँ क्योंकि यहीं पे तो माता जी हैं। ये लो भाई जल्दी जल्दी आप लोग भी दर्शन कर लो। अब थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद आपको काल भैरव बाबा का भी दर्शन करने को मिलेगा, क्योंकि यार वैष्णो माता में जब तक आप लोग भाई काल भैरव बाबा का दर्शन नहीं करोगे तब तक भाई आपका दर्शन कहाँ हो पाया। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग दर्शन कर लो और सामने हमारी माता जी है उनका भी दर्शन कर लो जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पे आकर के। अब आप लोग भाई जल्दी से दर्शन करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना।